स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से अपने YouTube चैनल मेडिसिन रिव्यू में, जहां आप पाते हैं सभी दवाइयों का रिव्यू। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरोकाइंड जी टेबलेट के बारे में, जो कि न्यूरोपैथिक पेन को ठीक करने के लिए काफ़ी अच्छी और जानी मानी टेबलेट है। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में सीखेंगे कि इसके क्या क्या यूजेज हैं और इसकी डोज और साइड इफ़ेक्ट क्या रहते हैं, और वीडियो के लास्ट में जानेंगे कि इस टेबलेट को लेने से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी होती हैं। तो इन्हीं सभी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अगर आप इस न्यूरोकाइंड जी टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों सबसे पहले बात अगर जो है न्यूरोकाइंड जी टेबलेट की करें तो इसे जो है डिस्कवरी मैनकाइंड नाम की कंपनी बनाती है, और ये कॉम्बिनेशन टेबलेट है। इसमें गाबापेंटिन 300 mg और मीकोबालामिन 500 mcg दिया होता है। इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 10 टेबलेट की स्ट्रिप जो है 142 रुपये में किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। तो दोस्तों इसमें जो गाबापेंटिन दिया होता है इसका उपयोग जो है न्यूरोपैथिक दर्द और मिर्गी के इलाज में किया जाता है। साथ ही इसमें मीकोबालामिन दिया होता है जो कि विटामिन B12 का ही एक रूप है, जो कि हमारी नसों में जाकर माइलिन के निर्माण को बढ़ाता है, जिससे कि जो नसें डैमेज हुई हैं वो रिपेयर हो सकें। तो दोस्तों अब जानते हैं इसके यूजेस के बारे में कि इस टेबलेट का उपयोग किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो इस टेबलेट का मुख्यतः उपयोग जो है न्यूरोपैथिक पेन को ठीक करने के लिए किया जाता है, यानी अगर आपको लंबे समय से शरीर में दर्द है, हाथ पाँव में दर्द है, कंधे में दर्द है या पूरी बॉडी में कहीं भी दर्द है और वो दर्द बहुत सारी दवाइयाँ लेने के बाद भी सही नहीं हो रहा है, तो उस समय है न्यूरोकाइंड जी टेबलेट देने से व्यक्ति का दर्द बहुत ही जल्दी सही हो जाता है। साथ ही दोस्तों इस टेबलेट का उपयोग एपिलेप्सी, जिसे हम मिर्गी के दौरे कहते हैं, यानी जब किसी व्यक्ति को मिर्गी के दौरे आते हैं तो उस समय उसकी नसें डैमेज हो जाती हैं, जिस कारण उसकी नसों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और तो उस समय भी यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। साथ ही दोस्तों डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी इस टेबलेट का प्रयोग लिया जाता है। इस बीमारी में जो डायबिटीज़ के मरीज होते हैं उनके पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मरोड़ आता है, और वो दर्द सामान्य पेन किलर जैसे कि डाइक्लोफेनिक, एसिक्लोफेनिक, आइब्रोफेन लेने के बाद भी बंद नहीं होता है, तो उस समय यह टेबलेट दी जाती है। साथ ही दोस्तों हर्पीस जोफ्टर नाम की बीमारी है, इसमें भी इस टेबलेट का प्रयोग लिया जाता है। इस बीमारी में स्किन पर पानी भरे हुए छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, स्किन कड़ी हो जाती है और बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है, तो उस समय में भी इस टेबलेट का प्रयोग लिया जाता है। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को माइग्रेन का सिर दर्द हो रहा है तब भी यह टेबलेट दी जाती है। साथ ही दोस्तों साइटिका नाम की बीमारी है, इसमें भी इस टेबलेट का प्रयोग लिया जाता है। दोस्तों साइटिका नसों में होने वाला ऐसा दर्द है जो कमर के निचले हिस्से से शुरू होकर पैरों के नीचे तक जाता है, और ये दर्द भी सामान्य पेन किलर लेने से नहीं जाता, तो उस समय में भी इस टेबलेट का प्रयोग लिया जाता है। तो दोस्तों ये थे इसके कुछ यूजेज। हो सकता है ये जो मैंने यूज बताए इन यूजेज के अलावा भी डॉक्टर अपने अनुभव के हिसाब से किसी और बीमारी को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का प्रयोग करें। तो यूज जानने के बाद अब जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इस टेबलेट को लेने से क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं अगर किसी व्यक्ति को होते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट जो है उल्टी आना, पेरिफेरल एडिमा, धुंधला दिखाई देना, बुखार आना, चक्कर आना, नींद आना, त्वचा पर लाल चकते होना, कमजोरी आना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ये इसके अलावा भी अगर आपको कोई अनवांटेड इफेक्ट दिखाई देता है तो इस टेबलेट को लेना बंद कर दें और अपने डॉक्टर की सलाह लें, जहां से आपको फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके। तो दोस्तों अब वीडियो के अगले पार्ट में जानते हैं इसकी डोज के बारे में कि इसकी डोज जो है कितनी मात्रा में दी जाती है। तो दोस्तों इसकी जो डोज है वो मरीज़ की एज, वेट और बीमारी के हिसाब से दी जाती है। फिर भी इसकी कॉमन डोज की बात करें तो उसमें मरीज़ को शुरुआत में एक टेबलेट दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है,
और अगर आप इस टेबलेट को शाम को सोने से पहले लेते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलता है। और अगर इसकी एक टेबलेट लेने से मरीज़ को रिलीफ नहीं मिलता है तो इसकी डोज को बढ़ाकर दिन में दो बार सुबह शाम भी कर सकते हैं। और इस टेबलेट को हमेशा खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। इसकी डोज के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। तो दोस्तों अब वीडियो के लास्ट में जानते हैं कि इस टेबलेट को लेने से पहले क्या क्या सावधानियाँ रखनी होती हैं। तो अगर कोई प्रेग्नेंट वूमेन है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो उसे यह टेबलेट नहीं लेनी चाहिए। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को हृदय, गुर्दे या लीवर से जुड़ी कोई बीमारी है तो उसे यह टेबलेट बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए। साथ ही इस टेबलेट को लेने के बाद आपको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी भारी मशीन को चलाना चाहिए, क्योंकि इस टेबलेट को लेने के बाद आपको नींद आ सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा न्यूरोकाइंड जी टेबलेट का रिव्यू। अगर आप इससे जुड़ी और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स फ्रेंड्स एंड वंदे मातरम।